हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने की मांग लंबे अरसे से होती रही है। विपक्ष में रहते कुछ कांग्रेस विधायक समय समय पर इसकी मांग उठाते रहे हैं और हाईकोर्ट में भी PIL के माध्यम से इसको लीगल करने का मामला उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आ चुकी है और भांग की खेती को लीगल करने के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है। कुल्लू से विधायक और CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तर्ज पर भांग की खेती के लिए पॉलिसी बनाए जाने का दावा किया है। CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि भांग की खेती को औद्योगिक उद्देश्य से लीगल करने के लिए पॉलिसी बनाने के हाईकोर्ट दो बार पूर्व सरकार को अंतरिम आदेश भी दे चुकी है, लेकिन पूर्व सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया। भांग का प्रयोग कई तरह की दवाइयों, कपड़ों, जैकेट, रेशा इत्यादि को बनाने के लिए किया जा सकता है। कैंसर, ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयां भांग से बनती हैं। भांग के पौधे से नशे का एलिमेंट निकालकर इसे औषधीय, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों को बनाया जा सकता है। भांग की खेती से लोगों की आय के साधन भी बनेंगे, वहीं औषधीय प्रयोग में भी लाया जा सकेगा। इजराइल ने भांग की औषधीय गुणों को साबित करते हुए कोविड की दवाइयां भी भांग से बनाई है, इसलिए हिमाचल सरकार इसके लिए पॉलिसी लेकर आएगी और अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी भांग की खेती को लीगल किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज के बोझ को उतारने के लिए भांग की खेती से सालाना 18,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अनुमानित 2400 एकड़ में भांग की संगठित अवैध खेती हो रही है। राज्य से हर साल 960 करोड़ रुपए मूल्य की चर्स की तस्करी की जाती है और इसे पश्चिमी यूरोपीय और स्कैंडिनेवियाई देशों में भेजा जाता है, जबकि इजराइल में मलाना क्रीम की मांग है। परंपरागत रूप से गांजा पुराने हिमाचल के कुछ हिस्सों में उगाया जाता था, जिसमें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और सिरमौर शामिल थे। इसके रेशे से टोकरियां, रस्सी और चप्पलें बनाई जाती थी और इसके बीजों का उपयोग पारंपरिक खाना पकाने में किया जाता था। लोगों को ये लगता कि जब हम भांग की बात करते हैं तो नशे की बात करते हैं। मैं उस भांग की बात कर रहा हूँ जिसमें दवाई तो है, नशा नहीं है। दैट इज इंडस्ट्रियल हेम्प। इंडस्ट्रियल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें नशे वाला पार्ट विल बी बहुत ही, जो कि मतलब नहीं के मुकाबले उसमें नशा नहीं होगा, लेकिन उसमें जो CBD होगा, CBD जिससे दवाइयाँ बनती है वो भरपूर होगा, जिसमें कैंसर की दवाइयाँ बनेगी, अल्जाइमर, आर्थराइटिस, बहुत सारी जो दर्द निवारक दवाइयाँ बनेगी। और ये इसके ऊपर मैंने खुद, हमारे यहाँ पे एडवोकेट देवन खन्ना जी हैं जिनको मैंने खुद सपोर्ट किया है और उन्हें एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमने PIL जो है हाईकोर्ट में डाली है। और मुझे खुशी है कि दो बारी हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर देते हुए पूर्व सरकार को कहा कि आप पॉलिसी बनाइए जो भांग की खेती फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इसका रेशा, इसकी जैकेट, इसके कपड़े और दवाइयां, उसके लिए पॉलिसी बनाइए। ये एक प्राकृतिक पौधा है, इसे हमने नहीं उगाया, प्रकृति में ये उगा है। इसके जो आप नशे वाले, हम नहीं कह रहे कि नशे को आप बढ़ावा दीजिए, नशे वाले पार्ट को खत्म कर दीजिए, और लेकिन जो दवाइयों वाला पार्ट है या रेशा है या हमारे जो एक बहुत बड़ा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए इसका हम गांव में इस्तेमाल करते रहे हैं पहले भी, आगे भी इसकी कई इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है। जब उत्तराखंड में पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर में पॉलिसी है, इवन पंजाब में पॉलिसी है, बिहार में पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश में तो भांग की जो आम बिक्री है, वाराणसी में मुख्य प्रधानमंत्री जी का जो इलाका है वहाँ पे तो भांग का बड़े भारी उत्पाद ओपन बेचे जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हिमाचल में ही हमने पॉलिसी नहीं बनाई है? मैं समझता हूँ हम इस पॉलिसी को लेकर गंभीर हैं और हमें इस पॉलिसी को लाना होगा, भांग को नशे के लिए नहीं, भांग को दवाइयों के लिए, खासतौर पे कैंसर के लिए बहुत बड़ा कारगर है। और पीछे तो कोरोना में इसराइल ने साबित किया कि उन्होंने कोरोना में दवाई भांग से बनी थी, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ट्यूमर से लेकर कई बातें जो को लेकर जो है भांग की दवाइयां बनती। आज वो सारी दवाइयां अमेरिका से इंडिया आ रही है और हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की चीज़ पड़ी है, हम उसकी दवाइयां बना रहे नहीं है। मात्र ये कहने का कि नशा है, हम नशे को प्रोत्साहन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन जो है कैनेबिस फॉर मेडिकल
एंड इंडस्ट्रियल यूज वी शुड हैव अ पॉलिसी एंड अ वेरी गुड पॉलिसी, क्योंकि वी शुड बी द नोडल स्टेट फॉर दिस। वेयर इज आज हेम्प के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड को नोडल स्टेट बनाया गया है। तो ऐसे में हम हर चीज़ में पिछड़ते जा रहे हैं, तो हमें ज़रूर इसके ऊपर पॉलिसी लेकर आना चाहिए।